फिजिक्स 12th, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, एस सी वर्मा की बुक, क्वेश्चन नंबर 10। इसका सवाल देखेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ एल, स्मॉलेस्ट रेडियस ए, लार्जेस्ट बी, मेटेरियल रेजिस्टिविटी रो, और बी माइनस से एल के मुकाबले बहुत छोटा है, इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा बोर्ड पे। आइए बोर्ड पे इसे सॉल्यूशन के लिए। और ये स्थिति बोर्ड पे बना दी गई है। पहले जो उसका इंडिकेशन है वो समझिए क्या कहना चाह रहा है वो। बी माइनस ए इज वेरी लेस देन कंपेयर्ड टू एल। एल लंबाई को देखते हुए रेडियस में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही छोटा सा है। तो अगर इतनी बड़ी लंबाई को देखते हुए परिवर्तन जरा सा हुआ है तो बहुत छोटी लंबाई को देखते हुए तो इतने पार्ट में बहुत ही छोटा है। एक्स डिस्टेंस पर के एलिमेंट के ऊपर विचार करेंगे जिसकी थिकनेस है डीएक्स। तो भैया डीएक्स को देखते तो इस रेडियस में अंतर हुआ ही नहीं कुछ भी, लगभग यूनिफॉर्म रेडियस मान लेंगे। बहुत जरा सा अंतर होता है जब पूरी डिस्टेंस एल कवर हो जाती है, तो डीएक्स को देखते हो तो बराबर ही मान लो। बस ये इसका इंडिकेशन है, पढ़ने वाले बच्चे इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं। आगे बढ़े, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। इस कंडक्टर को कट 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 ऐसे डिवाइडेड मान लीजिए, और हर पार्ट सीरीज में कनेक्टेड माना जाएगा, और सीरीज के रेजिस्टेंस बड़े आसानी से मिल जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। अर्थात इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर आप निकाल सके तो बस केवल इंटीग्रेशन करना, और पूरे कंडक्टर के हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा, एंड वी विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ फुल कंडक्टर। ओके, यानी फुल कंसंट्रेशन हमें चाहिए इसका, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालने में, जो कि बड़ा आसान है। रेजिस्टेंस द रो इनटू एल अपॉन ए। रो तो हर एलिमेंट का एक ही रहेगा, वो तो मेटल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी। रो इनटू एल, एल डीएक्स है। रो इनटू एल अपॉन ए, बस अपॉन ए। क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, लेंथ डीएक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग बराबर है पाई आर स्क्वायर, यानी आर चाहिए। बस आर निकलते धड़ाधड़ होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन, ये आर कैसे निकलेगा। इसके लिए प्यारे बच्चों यहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये पूरा B है और ये A है, तो फिर ये भी A ही होगा और ये भी A ही होगा, तो कितना बचेगा? यस, B माइनस है। ओके, इस पार्ट को Y मान लीजिए, तो इस एलिमेंट्री पार्ट की रेडियस A प्लस Y होगी। ठीक है, ये तो नॉन है, बस Y निकाली किस तरह से, Y यू निकला। बस देखिए, इस एंगल के रेफरेंस में tan alpha इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड सेम tan alpha इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, दोनों भी एक ही एंगल अल्फा। सो tan alpha से ना भी लिखो, y अपॉन x, दिस x या सिमिलरिटी लॉ से या ट्रिग्नोमेट्री से, y अपॉन x tan alpha, एंड सेम tan alpha इज b माइनस a अपॉन कंप्लीट l, b माइनस a अपॉन l, सो वी रिक्वायर्ड ओनली y, b माइनस a अपॉन l इनटू x, b माइनस a अपॉन l, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, ओके, डिपेंड्स ओनली x, देख रहे हो भाई। बस अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया आराम से निकाल दीजिए। एलिमेंट्री पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्ट,
एलिमेंट्री पार्ट। ए मान लो डर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितनी रेडियस है इस एलिमेंट्री पार्ट की, ए प्लस वाई, और वाई की वैल्यू निकल चुकी है, रख दो पाई ए प्लस वाई की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एल इंटू ए होल स्क्वायर। ओके बस अब इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट रो इंटू एल अपॉन ए, एल लंबाई कितनी है इसकी डी एक्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आया ये पाई ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। होता ना दिखाई दे रहा हो तो मैं भी अरेंज करता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ने वाले बच्चे समझ भी जाते हैं। रो इंटू एल अपॉन ए, एल हो गया आपका डी एक्स, और क्रॉस एरिया भी आपने निकाला था। ओके और ये हो गया जी हमारा काम सारा, और अब ऐसे ऐसे जितने भी आ रहे हैं सबको इंटीग्रेट करना है और टोटल डिस्टेंस पूरे कंडक्टर का निकल जाना है। सो इंटीग्रेट ऑल डी आर्स। इंटीग्रेशन कहां शुरू होगा, पहला एलिमेंट ये पड़ेगा जहां एक्स वैल्यू बिल्कुल जीरो, जीरो से लेके अगला एलिमेंट प्लस अगला करते करते जहां एक्स वैल्यू बिल्कुल किससे कल ना हो जाए एल, जीरो से एल तक का मतलब हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमने सीधा प्लस कर दिया, और सीरीज में सीधा ही प्लस होता है, बस इट विल बी फाइनल स्टेप, नॉट ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी बस। तो डीआर की वैल्यू पुट करें जिसमें कि रो कांस्टेंट है अपॉन पाई कांस्टेंट है, रो अपॉन पाई तो तुरंत बाहर निकाल दीजिए। अब इंटीग्रल जीरो टू एल में बचता है डी एक्स, या डी एक्स यानी दो डी एक्स और दिस अपॉन ऊपर जाएगी पावर माइनस टू हो जाएगी, पावर माइनस टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। ओके रो अपॉन पाई दिस की पावर माइनस टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, इस बार माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन और अपॉन में भी माइनस हो गया इंटीग्रेशन। अब ये एक्स की जगह जो होता है जब हम चैन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते हैं मैथ्स में, तो एक्स जिसको मान के हम डेरिवेटिव कर लेते हैं उसका इंटू में दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ता है, ये होता है चैन रूल इन डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है, जिसको एक्स मान के हम इंटीग्रेशन कर देते हैं उसके डेरिवेटिव से इंटू ना करके डिवाइड करते हैं, और शर्त यह भी है कि उसका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा जब इंटीग्रेशन शुरू होगा उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है तो इसको x मानते हुए हमने डेरिवेटिव कर दिया x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और उसका डेरिवेटिव जो ये कांस्टेंट आएगा इसका जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का, इसका वन हो जाएगा तो ये बचेगा, तो उससे डिवाइड यानी कि b माइनस a अपॉन l से डिवाइड। अब ये कंप्लीट इंटीग्रेशन इसका हो गया, बस यही थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो मैंने उतना बता दिया आपको, ये तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाया एस पाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दूसरा इतना बताया बस खाली कि जिस पार्ट को एक्स मान के हमने इंटीग्रेशन कर दिया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड देना है बस शर्त वो कांस्टेंट। सिर्फ ये पूरी बात यहां पे लागू हो रही है, इससे ज्यादा अभी यहां जरूरत भी नहीं है, और अभी आप समझोगे भी वो इंटीग्रेशन में ही सही प्रकार से समझोगे, बहुत अच्छा समझोगे, तब फिलहाल जिसकी जरूरत है वो यहां आ चुका है। एंड नाउ जीरो टू एल आफ्टर दिस रो अपॉन पाई माइनस बाहर निकाल दीजिए, और ये बाहर निकाल तो एल पर पहुंच जाएगा एल अपॉन बी माइनस ए, माइनस भी आ गया एल अपॉन बी माइनस भी हो गया, अब बचा ये पावर माइनस वन का मतलब वन अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एल।
और जीरो टू एल, ठीक है जी। बोर्ड की व्यवस्था देखनी पड़ रही है। हाँ अब तक तो ठीक चल रहा सारा, यह ओके। अब चूंकि डायग्राम अपडेट है, वीडियो YouTube वीडियो को आप रिवर्स कर दोबारा भी देख सकते हो जरूरत पड़ती है तो, कि मुझे ध्यान मिटाना पड़ेगा ना, तो डायग्राम मिटाता हूँ खाली और आप देखेंगे रेजिस्टेंस कंटिन्यू है जिसमें कि माइनस रो एल अपॉन पाई और बी माइनस ए बाहर आ चुका था और अब डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स जगह पहले एल लग दो तो जाएगा वन अपॉन ए प्लस, जब एल रखोगे तो एल एल कट जाएगा बचेगा सिर्फ बी माइनस ए माइनस, अब जीरो रखो तो जीरो के सारा जीरो हो जाएगा बचेगा वन अपॉन ए या ए माइनस भी कट जाएगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए माइनस रो एल अपॉन पाई b माइनस ए इंटू एलसीएम ए बी और ऊपर ए माइनस, अब a तो छोटी रेडी से ना b बड़ी थी तो b माइनस कर दीजिए और माइनस कॉमन लेके उसे एडजस्ट कर लीजिए। r इज प्लस हो जाएगा रो l b माइनस ए अपॉन पाई, अच्छा बी माइनस तो नीचे भी है ना ए इज कैंसल और रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन रो एल अपॉन पाई ए बी, सिंपल है बिल्कुल सिंपल है। ऐसे 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 कट कट कर दिया, हर एलिमेंट ज्वाइंट इन सीरीज किसी एक का आराम से निकल गया और इंडिकेशन करके पूरे कंडक्टर का निकल गया। भाई क्वेश्चन करते रहें, बहुत बेहतर क्वेश्चन है एससी वर्मा की बुक के, कंटिन्यूस करते रहें और अपने आप को दमदार बनाते रहें। ओके प्यारे बच्चों, कैरी ऑन।